हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं एएच रेसलिंग चैनल। आज हम बात करेंगे चार सुपरस्टार जिनके खिलाफ रोमन रेंस 2022 के पहले पहले मैच लड़ सकते हैं। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं सेथ रोलिंस और रोमन रेंस के बीच बहुत बड़ा इतिहास रहा है। दोनों ही सुपरस्टार ने सालों तक काम किया था एक और वो एक दूसरे के खिलाफ भी काफ़ी मैच लड़ चुके हैं। सेथ और रोमन रेंस के बीच शुरुआत में रॉयल नंबर 2022 में मेन इवेंट में मैच हुआ था और इसका अंत डिस्क्वालिफिकेशन मैच में देखने को मिला। उस मैच के अंत से पहले संकेत मिले थे दोनों के बीच ज़रूर ही भविष्य में मैच होगा। साथ ही सेथ ने कुछ हफ्तों पहले स्टेज एरिया पर रोमन रेंस को कंफ्रंट भी किया था। इसके अलावा उन्होंने 2 हफ्ते पहले रोमन रेंस के खिलाफ मैच टीज किया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों दिग्गज सुपरस्टार को 2022 से पहले पहले आमने सामने आ सकती है। बात कर लेते हैं दूसरे सुपरस्टार के बारे में। एजे स्टाइल काफ़ी समय से मिड कार्ड डिवीजन में नज़र आ रहे हैं। फैंस उन्हें एक बार फिर टॉप स्टार के रूप में देखना चाहते हैं। रोमन रेंस के खिलाफ नज़र आने वाले उन्हें रोमन रेंस के खिलाफ नज़र आने से उन्हें ज़्यादा फायदा होगा मिलेगा। स्टाइल को वर्ल्ड टाइटल मैच लड़ते हुए बहुत लंबा समय हो गया है, इसी कारण अब मौका में दिया जाना चाहिए। एजे स्टाइल और रोमन रेंस के बीच 2016 में कई ज़बरदस्त मैच देखने को मिले थे। अगर वो फिर सामने आते हैं तो ज़रूर ही सभी फैंस उत्साहित होंगे। स्टाइल का कद फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में बढ़ाने के लिए ट्रिपल एच उन्हें कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार के खिलाफ ले जा सकते हैं। बात करते हैं तीसरे सुपरस्टार के बारे में, थेरी। वह थेरी मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कभी भी रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ सकते हैं और रोमन रेंस थ्योरी पर कई बार सेगमेंट में साथ नज़र आ चुके हैं और समरस्लैम 2022 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को दांव पर लगाने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। थ्योरी के पास कभी भी अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करने का मौका है और वो अभी 2022 के समापन में बहुत समय है, इसी कारण कभी भी वो पूर्व एनएक्सटी सुपरस्टार का कैश इन ट्राइबल चीफ के लिए हो सकता है। बाद में उनके कई रिमैच भी देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं चौथे सुपरस्टार के बारे में, वो हैं कैरियन क्रॉस। कैरियन क्रॉस ने पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में चौंकाने वाली वापसी करते हुए ड्रू मैकइंटायर पर हमला किया था। साथ ही उन्होंने यहाँ रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ने को संकेत दिए थे। तो क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला टॉप सुपरस्टार माना जा रहा है। वो कुछ समय बाद ट्राइबल चीफ के खिलाफ मैच लड़ सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच की नींव पहले ही रख दी थी। दोनों सुपरस्टार के बीच मैच देखना शानदार होगा। अभी उनके बीच मैच के लिए बढ़िया हाई प्लान बनी हुई है, इसी कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें सामने सामने लाने में देरी नहीं करनी चाहिए। 2022 ख़त्म होने से पहले पहले उनका मैच होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।